हेलो बच्चों, तो अब शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है एल्काइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी होने वाला है क्योंकि ये भी अनसैचुरेटेड है। ज़्यादातर इसके जो आप रिएक्शन देखोगे ना वो सिमिलर टू एल्कीन ही है, बट कुछ रिएक्शन बड़े स्पेसिफिक हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस सेक्शन में होगा वो एसिडिटी ऑफ एल्काइन, जो एसिडिक प्रोटान है, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो हम लोग जो मेन फोकस करेंगे इसके प्रिपरेशन पार्ट पे और इसके एसिडिटी वाली जो पार्ट है वहाँ पे। बाकी जो रिएक्शन से ऑलमोस्ट सेम है, बस 2 मोल कंज्यूम होता है, तो वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्काइन सब कुछ। सबसे पहले जब भी एल्काइन की बात आएगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम सब जानते हैं एसपी हाइब्रिड होता है। दिस इज अ एसपी हाइब्रिड कार्बन, ये भी एसपी हाइब्रिड होता है और ये भी क्या होता है एसपी हाइब्रिड, एंड दैट इज वाई एल्काइन्स आर प्लेनर और लीनियर होते हैं। जो एल्काइन है वो क्या होते हैं प्लेनर होंगे, क्यों प्लेनर होंगे, क्योंकि एसपी हाइब्रिड है और प्लेनर होने के साथ साथ कैसा शो करते हैं लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब कि ऑन द प्लेन ऐसे पड़े रहते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो ऑन द प्लेन क्या होता है पड़ा रहता है। तो हमारा ये एल्काइन है, एल्काइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसकी बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है। तो बॉन्डिंग इन एल्काइन अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड है ना। 2 पाई बॉन्ड हमेशा जब भी बनेंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ पे जो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे वो पक्का क्या होंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो लेट्स सी कि अगर हम इथाइन का स्ट्रक्चर बात करें, आपको इथाइन बनाना सिखाएं, तो इथाइन का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों ये है, जिसमें आप देख रहे हो कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है एसपी है। तो अगर हम कार्बन के बाद एसपी करेंगे तो हमारा क्या करेगा, एक बॉन्ड ये क्या करेगा ऐसे बनाएगा लीनियर और एक ये एसपी हाइब्रिड, दोनों एसपी एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। और बाकी जो मैं 2 सफेद से जो बनाने वाला हूँ ये ऑर्बिटल्स हैं पी ऑर्बिटल्स, जो कि हाइब्रिडाइज नहीं हुए हैं। हाइब्रिडाइज नहीं होने से क्या होगा पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तो जो व्हाइट कलर के आप ऑर्बिटल देख रहे हो ये ऑर्बिटल्स क्या है नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और हमारा जो ये ग्रीन कलर का ऑर्बिटल है ये आपका एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और जो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये क्या करेगा ओवरलैप करेगा, इधर ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये आपके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और दूसरे साइड एक और कार्बन है हमारे पास जिसके साथ ही ओवरलैप करने वाला है, तो ये कार्बन ऐसे ओवरलैप कर जाएगा। तो ये एसपी एसपी हाइब्रिड से हमारा क्या बन गया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इधर हमारा एक और हाइड्रोजन है जो आएगा ओवरलैप कर जाएगा। तो ये देखिए लीनियर स्ट्रक्चर एल्काइन का बन गया, कार्बन कार्बन अभी सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें भी 2 पी ऑर्बिटल होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो उनको भी हम लोग बना लेते हैं। देखो ये बन गया, ये 2 क्या है प्योर पी ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट अभी नहीं किए हैं, मतलब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं, तो हाइब्रिडेशन किया नहीं। अब क्या होगा इन दोनों का ओवरलैप ऐसे होता है, ये दोनों इससे ओवरलैप कर जाएंगे ये वाला, और आपका जो ये ऑर्बिटल है ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, तो आपका क्या ऑर्बिटल बनने वाला देखिए। सो वी आर नाउ एबल टू फॉर्म 2 पी ऑर्बिटल्स, 2 पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप लैटरली एंड फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, ये दोनों क्या बना रहे हैं पाई बॉन्ड, ये भी हमारा क्या हो गया पाई बॉन्ड हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो बनता है वो प्योर पी ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से नहीं बनता है। हाइब्रिड ओवरलैप से हमेशा आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे जो 2 ब्लू कलर का लाइन जो आप देख रहे हो क्या है पी बॉन्डिंग है, पाई बॉन्डिंग यही है। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दीज आर द 2 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो साइड वाइज ओवरलैप से बना, और ये दोनों बॉन्ड जो है दूसरे क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे, एक ऐसे पैरेलल होगा और एक ऐसे क्या होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे 90 डिग्री पे ही बनते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे आपका एल्काइन का स्ट्रक्चर होता है, ये आर बराबर एच लिखा, इथाइन बनाया हूं तो एच लिखा हूं, अगर कोई कार्बन लेते तो वहां पर कार्बन का ओवरलैप होता। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है एल्काइन जब फॉर्मेशन करने जाता है। तो अब हम लोग एल्काइन के नॉमनक्लेचर की बात करेंगे, ठीक है, आइए इसका नॉमनक्लेचर देखते हैं। तो नॉमनक्लेचर इन एल्काइन, एल्काइन का नॉमनक्लेचर में क्या खास है, ये एल्कीन जैसा है, सेम एल्कीन की तरह ही होता है, बस यहाँ पे लास्ट में वाई एन ई लगाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका प्रीफिक्स सफिक्स होता है वो क्या होता है, सफिक्स इज आइन, वाई एन ई, ठीक है, वाई एन ई। तो हम जो आईयूपीएससी नाम लिखते हैं दैट इज नेम इज एल्क वाई एन ई एल्काइन। एल्क क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल कितने कार्बन होंगे उसके बेसिस पे इसका नाम किया जाएगा। तो सबसे छोटा एल्काइन हमारे पास होता है C2H2, इसका नाम लोग इथाइन लिखते हैं, 2 कार्बन का है तो इथ हो जाएगा, और इथ में क्या जोड़ दो आइन, तो इथाइन। कॉमनली दिस इथाइन इज नोन एज एसिटिलीन, है ना, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, एक गैस है,
ये एसिटिलीन क्या होता है, गैस होता है जो कि बहुत अच्छा फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस आपने देखा होगा कार्बाइड से निकलता है, जहाँ कहीं वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग होता है, तो गैस वेल्डिंग के जो मशीन लगे होते हैं ना, वहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड से इसको प्रोड्यूस कराया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्यूल है, तो यूज़ किया जाता है बर्निंग में कम्बस्टन करने के लिए, और वो क्या करता है लोहे का रॉड को गला के और वेल्डिंग करा देता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास और बहुत सारे हैं एल्काइन, जैसे आपका टर्मिनल एल्काइन आ जाएगा तो इसका नाम प्रोपाइन हो जाएगा, तीन कार्बन का है तो प्रोपाइन है ना, चार कार्बन का होगा तो ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन में देखेंगे तो हम लोग आइसोमेरिज्म मिलेगा, अभी ये हमारा क्या हो गया वन ब्यूटाइन। अगर इसका आप नामनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग कहाँ से होगा, यहाँ से, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है, ब्यूटाइन हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, ये ब्यूटाइन मिल गया, ये हमारा प्रोपाइन मिल गया। ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट ब्यूटाइन के अलावा, तो अपने पास टू ब्यूटाइन भी हो सकता है। इसका नामनक्लेचर अगर करने को आपसे बोला जाए, चलो भैया इसका नामनक्लेचर करो, तो इसका नामनक्लेचर क्या होगा, टू ब्यूटाइन, यहाँ पे टू पे आएगा तो इसका नाम हो जाएगा टू ब्यूटाइन, ठीक है, टू ब्यूटाइन। तो ये आपका नामनक्लेचर होगा, जब हम इसका यूपीएससी नामनक्लेचर करेंगे तो ऐसे नाम हम लोग लिख सकते हैं, वैरायटी ऑफ नामनक्लेचर होते हैं। तो जिसका नामनक्लेचर जो ना एल्कीन अगर आपने पढ़ा है तो सेम लाइक जस्ट सिमिलर टू एल्काइन होता है, तो जब एल्कीन होता है जैसे एल्कीन का नामनक्लेचर करते हैं वैसे इसका भी नामनक्लेचर किया जाता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम के सेम होते हैं, ठीक है, दोनों एग्जैक्टली डिटो सेम होते हैं, तो इसलिए कोई डिफरेंस होगा नहीं। सो अपना ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे हम नामनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक। अब आपसे पूछा जाता है टेस्ट ऑफ एल्काइन, एल्काइन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो टेस्ट ऑफ एल्काइन करा जाएगा। अब पूछा है कि एल्काइन का टेस्ट कैसे, मतलब टेस्ट ऑफ एल्काइन मतलब क्या। तो अगर मान लो किसी सोल्यूशन में एल्काइन है, किसी सोल्यूशन में एल्काइन प्रेजेंट है, तो कैसे कंफर्म करेंगे कि हाँ इस सोल्यूशन में एल्काइन है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ दैट एल्काइन, कैसे पता लगाया जाएगा। तो इसको पता लगाने का एक तरीका है अनसैचुरेशन टेस्ट या कैमेनोफोर टेस्ट, पहले इन दोनों से कर लोगे तो पता चल जाएगा एल्काइन है, बट एल्कीन भी हो सकता है, वो तो भाई एल्काइन भी देता है एल्कीन भी देता है। तो आप देखिए यहाँ पे दो चीज़ निकालो टेस्ट ऑफ एल्काइन, सबसे पहले यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन काउंट करना, डी यू फॉर्मूला दिया होगा तो उससे डी यू लगाना, डी यू क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है सी माइनस एच बाई टू प्लस वन, इससे निकल जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जहाँ भी एल्काइन होगा वहाँ पर डी यू कम से कम मिनिमम दो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक डी यू बराबर एक पाई बॉन्ड, दो डी यू बराबर दो पाई बॉन्ड होता है। डी यू के बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको जाकर देखिएगा, वहाँ पर डी यू कम्प्लीट डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है। तो आप डी यू निकालोगे, पहले डी यू निकालो, ठीक। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड, बस एक जस्ट वन मिनट, तो हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ एल्काइन, हम एल्काइन कैसे कंफर्म करेंगे। देखो सबसे पहले ना एल्काइन को कंफर्म करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हमारा हो सकता है अनसैचुरेशन टेस्ट कर लें, अनसैचुरेशन टेस्ट से पता चल जाएगा। दूसरा है उसमें एक टर्मिनल एल्काइन होगा तो उसका टेस्ट अलग करेंगे। बट सबसे पहले एक कन्फ्यूजन जो आने वाला है वो कि एल्काइन और एल्कीन ये दोनों अनसैचुरेशन टेस्ट देते हैं, तो अगर मान लो हमारे पास सोल्यूशन मिल गया तो हम कैसे पता लगाएंगे एल्काइन है कि एल्कीन है। तो अपने पास देखो कई कई तरीके हो सकते हैं, एक तो आप डी यू कैलकुलेट करिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, इसी को डी बी ई भी कहा जाता है, डी यू या समटाइम दिस इज ऑल्सो नोन एज डी बी ई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, हम इस फॉर्मूले से डी बी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा होता है हमारा अनसैचुरेशन टेस्ट, अनसैचुरेशन टेस्ट, इस टेस्ट से भी हम कन्फर्म कर सकते हैं कि एल्काइन है या नहीं है। एल्काइन कन्फर्म हो जाएगा, डी बी और अनसैचुरेशन टेस्ट दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डी बी, डी बी से कैसे पता चलेगा कि दिया गया जो सैंपल है, दिया गया जो भी कंपाउंड है, जो भी मिक्सचर है, जो भी मॉलिक्यूल है, क्या वो एल्काइन ग्रुप रखा है या नहीं रखा है। तो एक तो आपके पास जब भी फॉर्मूला दिया जाएगा, फॉर्मूला देखोगे आप, फॉर्मूला एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम देखें तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू, मतलब कि
दोगुने से दो कम हाइड्रोजन होंगे, मतलब जितना कार्बन होगा उसके दोगुने से दो कम हाइड्रोजन होंगे। मतलब अगर दो कार्बन है तो हाइड्रोजन भी दो ही हो जाएगा, क्योंकि दो दुना चार, चार से दो कम। अगर चार कार्बन है तो चार दुना आठ होना चाहिए था, बट आठ नहीं होगा, कितना होगा, छह ही होगा। दोगुने से दो हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो अगर हमारे पास ये जनरल फार्मूला है तो DU निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे हमने दे दिया आपको C4H6, अभी एल्काइन है कि नहीं है, तो सबसे पहले DU फाइंड आउट करिए। DU बताएगा, अगर DU की संख्या एक से दो से कम आती है तब वो एल्काइन नहीं है। एल्काइन होगा तो DU मिनिमम दो आएगा, एक DU बराबर एक पाई बॉन्ड होता है, दो DU बराबर दो पाई बॉन्ड। DU दो होगा तो एक पाई बॉन्ड एक रिंग भी हो सकता है, बट हम देखेंगे DU से पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो मान लीजिए हमने C4H6 दिया, तो DU कैलकुलेट करिए यहाँ पे। तो DU बराबर कितना हो जाएगा, टोटल चार कार्बन है, माइनस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, छः, तो छः बाई टू प्लस वन, तो यहाँ कितना आ गया, चार माइनस तीन प्लस वन बराबर टू। तो DU टू कन्फर्म कर रहा है, तो DU दो बराबर दो अनसैचुरेशन है। अब दो अनसैचुरेशन कन्फर्म हो रहा है, उसके बाद देखते हैं फॉर्मूले से एल्काइन का फॉर्मूला भी हो रहा है, DU से एल्काइन का फॉर्मूला भी आ रहा है, दो चीज़ें कन्फर्म हो गई। हाँ, ये एल्काइन का पॉसिबिलिटी है, ये एल्काइन हो सकता है ना, ये एल्काइन के पूरे चांसेस हैं। अब इसके बाद क्या करोगे, DU निकालने के बाद दूसरा कन्फर्म करोगे आप अनसैचुरेशन टेस्ट। तो अनसैचुरेशन टेस्ट देखिए कैसे करा जाएगा, अनसैचुरेशन टेस्ट। तो अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए हमारे पास अवेलेबल है दो रिएजेंट। कौन कौन से रिएजेंट होते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए, आपको पहले एल्कीन में पढ़ा चुका हूँ। एल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टी में दो टेस्ट आए थे अगर आपको याद होगा। पहला है ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन प्लस वाटर, ये आपका ब्राउनिश रेड कलर का रिएजेंट होता है, ये ब्राउन रेड होता है ना, ब्राउनिश रेड। याद रखिएगा इसका जो कलर है, कलर आता है ड्यू टू पाई स्टार टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। ये आपका जो पाई स्टार है इसको होमो कहते हैं, और जो सिग्मा स्टार है इसको लूमो कहते हैं। तो ये जो कलर है रेड कलर जो आता है, इसका ब्राउन रेड कलर ड्यू टू पाई स्टार टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट है हमारा डाइल्यूट एंड कोल्ड कैमेनो फोर, डाइल्यूट एंड कोल्ड कैमेनो फोर, ये दूसरा रिएजेंट है। इसका जो कलर होता है लाइट पिंक होता है, दिस इज लाइट पिंक। डाइल्यूट करने पे पिंकिश कलर आता है, अगर डाइल्यूट और कोल्ड नहीं लोगे तो इसका कलर वायलेट दिखाई देगा आपको, ठीक है। परमैंगनेट का जो कलर होता है वो क्या होता है, वायलेट कलर दिखाई देगा, डीप वायलेट कलर दिखाई देता है। सो यहाँ पे आपको लाइट पिंक दिखाई देगा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT। LMCT का मतलब होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो जो कैमेनो फोर कोल्ड कैमेनो फोर का कलर है लाइट पिंक, दिस इज ड्यू टू LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। अगर कहीं सोल्यूशन में बेटा एल्काइन प्रेजेंट हुआ, ठीक है, अगर कहीं सोल्यूशन में एल्काइन प्रेजेंट हुआ तो इन दोनों रिएजेंट क्या होंगे, डी कलराइज हो जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे ब्रोमीन वाटर डाला तो इसका जो ब्राउन रेड कलर था वो क्या हो जाएगा, कलरलेस, ये कर देगा कलरलेस। दूसरा है आपका कैमेनोफोर, तो जो हमारा कैमेनोफोर है उसका भी जो लाइट पिंक कलर है ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये दोनों रिएजेंट क्या होंगे, अगर कलरलेस हो जाते हैं तो आपको कंफर्म होगा कि अनसैचुरेशन है, पाई बॉन्ड है, DU दो आ रहा है, तो ये कंफर्म करेगा एल्काइन की पॉसिबिलिटी है, देयर शुड बी एल्काइन प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। बट कभी कभी कंफ्यूजन होता है, उसके लिए केमिकल रिएक्शन टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको दिया था ना C4 वाला, देखो ये जो फॉर्मूला है C4H6 ये भी है बट ये एल्कीन है, देखो ये C4H6 है, निकाल कर देख लीजिए, ये भी डिकलराइज कर देगा दोनों रिएजेंट को, बट वो एल्कीन है, एल्काइन नहीं है। DU बराबर उसमें भी कितना आ रहा है, दो ही आ रहा है। सो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बट इसके लिए हम केमिकल टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो अभी आगे पढ़ाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टी, तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि हाँ इस टेस्ट से हम कन्फर्म कर सकते हैं। ओजोनोलिसिस है, मैं बता ही दे रहा हूँ, ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस करते तो उसका एल्डिहाइड मिल जाएगा, कन्फर्म कर देगा कि एल्काइन नहीं है। बट अगर ये एल्काइन होता तो ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड नहीं मिलता, वो क्लीव हो जाता है, वो भी आपको आगे पढ़ाऊंगा अभी, ठीक। तो ये एक बेसिक टेस्ट हो गया। अब अगर मान लो अपने पास एल्काइन है, अब दो टाइप के एल्काइन हो सकते हैं, ठीक है, टेस्ट आप टर्मिनल एल्काइन करेंगे। दो टाइप के एल्काइन कैसे हो सकते हैं, सेंट्रल एल्काइन हो सकता है, टेस्ट ऑफ एल्काइन। तो टेस्ट ऑफ एल्काइन में भैया जो इंपॉर्टेंट फंसता है ना मैटर, वो होता है सेंट्रल एल्काइन और टर्मिनल एल्काइन। देखिए दो टाइप के एल्काइन है, एक को बोलते हैं लोग टर्मिनल एल्काइन,
टर्मिनल एल्काइन, जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो किनारे होगा, और जो कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देता है। एक है टर्मिनल एल्काइन, जिसमें आप देखोगे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एक किनारे पर होगा, और दूसरा होता है सेंट्रल एल्काइन, दूसरा है हमारा सेंट्रल एल्काइन। अब सेंट्रल एल्काइन में क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड बीच में होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। ये दोनों एक्सट्रीमली डिफरेंट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, इसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये खास है, ये खास नहीं है। तो क्या खास है टर्मिनल एल्काइन का, वही हमें पता लगाना है। और इसका जो खास बात है इसमें, वो ये एसिडिक प्रोटॉन होता है, और इस एसिडिक प्रोटॉन की वजह से ये कई सारे वैरायटी ऑफ न्यू रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो हम लोग अभी टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन भी करने वाले हैं कि टर्मिनल एल्काइन अगर कहीं बनता है तो इसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है, ये कौन कौन से अपनी प्रॉपर्टी है जो शो करेगा, जिसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोग करने वाले हैं टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। अब वन ब्यूटाइन है कि टू ब्यूटाइन है, अगर आ जाएगा हाउ विल यू डिफरेंशिएट वन ब्यूटाइन एंड टू ब्यूटाइन, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, क्वेश्चन पूछ लेगा हाउ विल यू डिफरेंशिएट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट, यही पढ़ाने जा रहा हूं, डिफरेंशिएट वन ब्यूटाइन एंड टू ब्यूटाइन। दोनों देखो सिर्फ क्या है, पोजिशनल आइसोमर है, वन ब्यूटाइन एंड टू ब्यूटाइन। तो इसी को आइए पढ़ते हैं कैसे डिफरेंशिएट होगा। तो उसी का नाम है टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट होगा। सो लेट्स प्रोसीड टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। तो इसको टेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टर्मिनल एल्काइन का जो प्रोटॉन है वो एसिडिक होता है, और वही उसका एसिडिक बिहेवियर सारे टेस्ट को देने के लिए उसको मजबूर कर देता है। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं अपने पास, ये जब भी टर्मिनल एल्काइन ले आइएगा, दिस प्रोटॉन इज एसिडिक, दिस प्रोटॉन इज एसिडिक, और जो प्रोटॉन एसिडिक होता है वो अगर मेटल से रिएक्शन करा दें तो क्या करेगा, वो सॉल्ट बना के एनायनों में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज प्लस हाफ एच टू। ये सिर्फ एक रिएक्शन में लिखा हूँ, अभी इसके मैं कई सारे रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए एसिड प्लस सोडियम के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो ये कन्फर्म करता है कि इसके पास एसिडिक प्रोटॉन है। इस एसिडिक प्रोटॉन का बेनिफिट कई सारे रिएजेंट उठा ले जाते हैं, जिसकी वजह से एल्काइन वैरायटी ऑफ रिएक्शन देता है। जैसे देखिए इसको अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बना लेता है, जहां भी टर्मिनल होगा ये क्या करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आया है, बताता हूँ क्वेश्चन क्या, देखते रहिएगा। इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैं पूरा रिएक्शन लिखा लूँ तब। दूसरा आपसे दे देगा यहाँ पे सोडामाइड डाल देगा, NaNH2, NaNH2 में क्या था, NH2 माइनस और Na प्लस है, तो NH2 माइनस क्या करेगा, इस H को लेकर अपने साथ उड़ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस Na प्लस प्लस अमोनिया गैस। देखो अलग अलग गैस निकल रहा है, यहाँ वाटर निकला है, वहां पे अमोनिया निकला है। नेक्स्ट इसमें डाल दिया गया था ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH3MgBr। देखिए एक खास चीज यहाँ होने वाला है, CH3 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन को निकाल के बना देगा R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgBr। एक नया ग्रिगनार्ड रिएजेंट का तैयारी हो गया, देख लीजिए, ये खास था मैंने जो बता रहा था अभी आपको, एक नया ग्रिगनार्ड आ गया जो तीन कार्बन का, एक कार्बन से सीधे किसमें कन्वर्ट हो गया, अब R बराबर तुम जितने कार्बन लगा लो, दो तो मिनिमम होगा, ये जितना कार्बन लगा लो, तो हम न्यू ग्रिगनार्ड का प्रिपरेशन कर सकते हैं और रिएक्शन करा सकते हैं आगे, ठीक है, ये हमारा मीथेन बन जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे सोडियम के साथ ट्रीट किया तो फिर गैस निकला ही था, सोडियम के साथ जो गैस निकलेगा वो हाफ H2 निकलेगा, आधा मोल H2 मॉलिक्यूल गैस निकलता है। ये चार गैस, चारों गैस का नाम दिया था XYZ, ये JEE एडवांस का क्वेश्चन था, इसका X, इसका Y, इसका Z, इसका PQR जो भी होगा पूछा था, इन सभी X प्लस Y प्लस Z या ABCD चारों के मोलर मास का सम कितना होगा, इंटीजर टाइप में भरना था, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था कि अगर ये जो चार गैस निकल रहे हैं इन चारों का टोटल मोलर मास कितना होगा, तो भरना था जो टोटल मोलर मास आएगा। तो अगर आपको रिएक्शन नहीं पता होगा ना तो आप गैस कभी निकाल नहीं पाओगे, और गैस पता नहीं होगा तो आप कभी उसमें
मोलर मास नहीं काउंट कर पाओगे। तो जरूरी ये होता है कि रिएक्शन पूरा सही तरीके से आना। अगर आपको रिएक्शन सही से आएगा तो आप गैस का क्या निकालोगे, मोलर मास आसानी से निकाल सकते हो। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ना। ये अभी एसिडिक प्रोटॉन की कहानी हुई, अभी टेस्ट नहीं हुआ है, ये एसिडिक प्रोटॉन की कहानी है। तो ये एसिडिक प्रोटॉन होने की वजह से टर्मिनल एल्काइन दो बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट देता है। उन्हीं दोनों टेस्ट को मुझे आपको अभी सिखाना है, तो आइए टेस्ट करते हैं। ये समझ में आ गया सभी को, इसको पूरे गैस को लिख लेना, मोलर मास काउंट करके बता देना, ठीक है ना। सो अब हम लोग करेंगे टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन। तो टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइन करने के लिए हमारे पास दो रिएजेंट हैं, और ये दोनों रिएजेंट सिर्फ इसलिए रिएक्शन कर जाते हैं क्योंकि इस एल्काइन के पास एक एसिडिक प्रोटॉन है। अगर ये एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता तो ये कोई टेस्ट हम जो लिखने वाले हैं वो नहीं मिलता। तो दीज टू टेस्ट आर कमिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन एसिडिक हाइड्रोजन ऑन द टर्मिनल एल्काइन। यही वाली चीज मिस होती है सेंट्रल एल्काइन में, क्योंकि उनमें कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता। तो पहला टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट, द फर्स्ट टेस्ट इज टॉलेंस टेस्ट। जो हमारा टर्मिनल एल्काइन होता है वो टॉलेंस टेस्ट देता है, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है भैया, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको कलेक्टिवली कहा जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके जो बनाते हैं रिएजेंट, उसका नाम है AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। ये रिएजेंट होता है, एक्टिव रिएजेंट होता है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। बट हर जगह आपको मिक्सचर ये मिलेगा, कहीं कहीं वो भी मिल सकता है, तो नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं। चाहे ये रहे चाहे वो रहे, चाहे लिखा रहे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दोनों कहानी में आपको जानना यही है कि टॉलेंस टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर कहीं टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट हुआ किसी सोल्यूशन में, टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट हुआ और इसका रिएक्शन अगर आपने करा दिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको तुरंत ही वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एल्काइन। ये बनते ही वाइट PPT जनरेट हो जाता है और वाइट प्रेसिपिटेट तुरंत ही आंखों से दिखाई देगा, है ना, आप विजिबल टू आवर आईज। और जैसे ये दिखेगा कन्फर्म हो जाएगा पूरा सोल्यूशन वाइट कलर का हो जाएगा, एंड दैट विल कन्फर्म कि हाँ जो बना है वो कुछ टेस्ट हुआ है, एंड दैट टेस्ट इज टॉलेंस टेस्ट। तो अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है, आप टर्मिनल एल्काइन रखते हो, तो हमेशा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके वाइट प्रेसिपिटेट देगा, एंड दिस वाइट प्रेसिपिटेट कन्फर्मिंग दैट द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल एल्काइन। ये पहला हो गया, द फर्स्ट टेस्ट इज टर्मिनल एल्काइन का। दूसरा है क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट, Cu2Cl2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दूसरा टेस्ट है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ भी कलर आएगा। यहाँ पे कलर क्या आता है देखिए, यहाँ पे वहाँ सिल्वर का एसिटिलाइड बना था, सिल्वर का वो एसिटिलाइड बना था, इसको बोलते हैं कॉपर का एसिटिलाइड, ठीक है, एसिटिलाइड कहा जाता है उसको, या सॉल्ट भी कह सकते हो सिंपल। तो यहाँ पे देखिए भैया, ये हमारा एसिडिक प्रोटॉन है, इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, Cu2Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनता है वो आपका बनता है ब्रिक रेड, ईंटे जैसा लाल, C(CC)-Cu+। तो ये होता है आपका ब्रिक रेड कलर। तो ये भी कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल एल्काइन। तो ब्रिक रेड कलर सोल्यूशन तुरंत ही एक कलरलेस सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्रिक रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमें कंफर्म करेगा कि टर्मिनल एल्काइन प्रेजेंट है। तो ये हमारा टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट हो गया। एक तो हम पहले पहचानेंगे एल्काइन है कि नहीं है, है तो सेंट्रल है कि टर्मिनल है। तो मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में अभी तक यही सिखाया, एल्काइन क्या होते हैं, एल्काइन का नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, और एल्काइन जो होते हैं उनको टेस्ट कैसे करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एल्काइन कैसे पता चलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। सो इसको खत्म कर लीजिए जल्दी से, अब हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। थैंक यू सो मच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। टाटा बाय बाय।